ये देख सकते हैं, तो यही है मंदिर का मेन एंट्री पॉइंट। कुछ ऐसा है मंदिर का नजारा। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना ये अद्भुत नजारा आपको कैसा लगा। देखिए यहाँ प्रसाद चढ़ रहा है, देख लीजिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर। मेरे चरणों में रख दिया है सर अपना, मेरा भार तो तुझे उठाना पड़ेगा। मैं बुरा हूँ या अच्छा हूँ महादेव, तुझे ही मुझे उठाना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत कर रहा हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में। गाइस आज का जो ब्लॉग है बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज है हम जा रहे हैं नासिक और आज है महाशिवरात्रि का पर्व, इसीलिए हम जा रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक में जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन करने के लिए। तो देखिए मैं इस वीडियो में आपको गाइड करूंगा कि अगर आप अपने शहर से अगर आपको त्र्यंबकेश्वर जाना है तो आप कहाँ से जाएंगे, कौन सा ट्रेन पकड़ेंगे और कहाँ से आपको बस मिलेगा त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको फुल गाइड करूँगा, तो भाई वीडियो में बने रहना। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं हूँ मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर, और देखिए हमने अपने ट्रेन का जो है वो टिकट निकाल लिया। इस टिकट का रेट जो मुझे है ना 90 रुपये पड़ा है पर पर्सन। इस ट्रेन का नंबर है 12141 पाटलिपुत्र एक्सप्रेस। इसी ट्रेन में आज हम जर्नी करने वाले हैं और हमारी जर्नी जो होगी वो टोटल 3 घंटे की होगी। 3 घंटे में ये हमें नासिक रोड रेलवे स्टेशन पहुँचा देगा। और दोस्तों अगर आप अपने शहर से त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं ज्योतिर्लिंग के, तो आप अपने शहर से कहीं से भी हो तो आपको ट्रेन पकड़ना होगा नासिक रोड के लिए। तो भैया डिपार्चर हो चुका है हमारा मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल से, देख सकते हैं। बाय बाय हो भैया लोकमान्य तिलक टर्मिनल। तो गाइस फाइनली जो है आखिर में बड़े मुश्किल से पहुंच ही गए नासिक रेलवे स्टेशन, देख सकते हैं। तो गाइस देख सकते हो कुछ ऐसा है नासिक रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा, देख सकते हो आप। ये देखिए यहाँ पर ये है ऑटो स्टैंड, यहीं पर आपको त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए ऑटो मिल जाएगा, देख सकते हो आप लोग। गाइस चलते हैं अभी ऑटो वालों के पास और पूछते हैं भैया पर पर्सन का किराया कितना होगा मंदिर जाने का। तो गाइस देख सकते हैं ये वाली गाड़ी में हम लोग बैठने जा रहे हैं, पर पर्सन 200 पर पर्सन जो है 200 किराया है मंदिर जाने का, देख सकते हो आप। ऐसे जिप्सी में अगर जाओगे तो देखो राजू बैठा है यहाँ पे, राजू बैठ चुका है पहले और एक ही सीट खाली है आगे बैठने के लिए, उस पर मैं बैठूंगा अभी। तो चलिए गाड़ी का जुगाड़ तो हो गया, अब चलते हैं मंदिर। देख सकते हो पहुंच गए भैया त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नगर मधे। तो गाइस फाइनली 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद से पहुंच गए भैया मंदिर, देख लीजिए वो रहा मंदिर, ये रहा मंदिर और ये रहे हम लोग। तो भैया 400 रुपये भाड़ा दे के दोनों भाई निकल चुके हैं भैया मंदिर की ओर, देख सकते हैं मेरे पीछे मंदिर है, देखते हैं। और सुबह के कितने बज रहे हैं अभी? सुबह के अपना टाइम हो रहा है 4:17 हो रहे हैं भैया। 1 घंटे में ड्राइवर साहब ने हमको पहुंचा दिया मंदिर के यहाँ पर, अब देखते हैं मंदिर पर जाके लाइन में लगते। तो गाइस देख सकते हो ये है त्र्यंबकेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग, देख सकते हो। शिव है दया, शिव ही कृपा, शिव है क्षमा, शिव है धरा। बाकी देख सकते हो सुबह 4 बजे का कुछ इस प्रकार माहौल है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पे, देख सकते हो। यहाँ पर दोनों बाजू आपको दुकानें मिल जाएंगी, देख सकते हो, देख लो ये है भगवान गुरु आदि शंकराचार्य, देख सकते हो आप उन्हीं का झांकी निकल रहा है, देख सकते हो आप। बाकी यह है बाबा का गर्भगृह, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा टीवी लगाया हुआ है भक्तों के लिए, वो देखिए वो रहे मेरे महादेव। ये जो कपड़ा है मैंने घर से लाया था यहाँ मंदिर में पहनने के लिए, अभी अभी जो है हमने सामान वामान रख दिया अपना, हाथ पैर धो के ये वाला टी शर्ट पहन लिया जो मैंने लाया था स्पेशली यहाँ के लिए ब्लॉग बनाने के लिए। देख सकते हो ये है मेरे मंदिर के पीछे, वहीं पे ठीक ये दुकान है जहाँ से मैंने अपना बैग रखा है, चप्पल रखा है, और यहाँ से ये जो है फूल जो है वो 100 रुपये पर प्लेट है, ये 100 रुपये। तो यहाँ से हम लोग ये ले रहे हैं और वो जो है वहाँ पर हमने बैग रख दिया है। तो फिर प्रसाद लेते हैं खाली और चलते हैं मंदिर में, लाइन लगते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है जल चढ़ाने के लिए। आपसे मिलता हूँ अपने मंदिर। तो दोस्तों देख सकते हैं ये बच्चे से हम टीका लगवा रहे हैं, देख सकते हैं बाबा भोलेनाथ का। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ जैसा कि देख सकते हो आप लोग महादेव का जो है टीका लगवा रहा हूँ इस बच्चे से, बढ़िया से लगा रहा है ये।
कृष्ण भगवान गायत्री देव की बाहर बनाई से भगवान सिंह वाला जी गायत्री गेट की बाहर दर्शन माला लेके फूल माला लग चुके हैं लाइन में। देखते हैं कितने बजे तक दर्शन होता है और कहां तक लंबी लाइन लगी है। ये देखो भाई अभी तो शायद गेट बंद है क्या, यही लाइन है ना। तो गाइस जैसे कि आपने वो गेट देखा था ना, वो गेट था वीवीआईपी पास का, यानी जिसके पास वीवीआईपी टिकट है वो उस गेट से दर्शन ले रहे हैं। जब तक वो वीवीआईपी पास होगा तब आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगा मंदिर में। बाकी जो हाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ लाइन में लगने, वो है आम जनता के लिए लाइन, जो कि नॉर्मल लाइन है, जो कि रेगुलर लगती है। देख लीजिए यहाँ से ही है शायद वो लाइन। तो अभी 4:40 हो रहा है, देखते हैं हमारा दर्शन कितने बजे तक होता है। लाइन में तो हम लोग लग चुके हैं, अपडेट आपको देता रहूँगा मैं। व्यवस्था किया गया है इस महाशिवरात्रि के पर्व के द्वारा। देख सकते हो सिंगल लाइन में सभी लोग चल रहे हैं, ना धक्का मुक्की हो रहा है ना भीड़ भड़ाका। देख सकते हो मेरे पीछे भी सभी लोग एकदम बढ़िया से लाइन में लग के भोले बाबा के। ओम नमः शिवाय। ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया व्यवस्था किया गया है यहाँ पर। ये देख सकते हैं त्र्यंबकेश्वर देवस्थान। तो गाइस भीड़ देखिए सुबह का, देखिए कितना भीड़ है यहाँ पर, देख सकते हैं सुबह का कितना भीड़ है भक्तों का आज। ये देखो बाबा के गर्भगृह का वो देखिए ज्योतिर्लिंग एकदम साफ साफ दिख रहा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर भक्तों के लिए जो है टीवी लगाया गया है, देख सकते हैं। शंकर शिव भोले उमापति महादेव शंकर शिव। गाइस सुबह के बज रहे हैं 6:10 और अभी भी हम लाइन में हैं। अभी भी पता नहीं कितना समय लगेगा, अभी तो बहुत समय लगेगा, अभी तक तो कुछ पार ही नहीं हुआ है। कितना टाइम लगेगा देखते हैं, कितना टाइम लगता है। मेरे ख्याल से तो काफ़ी टाइम लगेगा, कम से कम 10-11 बज जाएगा ऐसा मुझे अनुमान है। तो दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 7 और अभी भी हम लोग लाइन में हैं, देख सकते हैं। दिन भी निकल आया है और हम लोग अभी भी लाइन में हैं, पता नहीं कितना समय और लगेगा। परेशान हो गए हैं, देखो राजू देख सकते हैं। तो देख सकते हो इंतजार खत्म होने वाला है। ये देखिए मंदिर का क्षेत्र यहाँ से शुरू हो जाता है, ये है मंदिर का गेट। बस यहाँ से बस 30-35 मीटर ही है मेन मंदिर बाबा भोलेनाथ का। बाकी ये भीड़ देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यही है मंदिर का मेन एंट्री पॉइंट, देख सकते हो हर हर महादेव जय बाबा भोलेनाथ। देख सकते हो यही है मंदिर का मेन एंट्री पॉइंट। ये देखिए वो रहा मंदिर त्र्यंबकेश्वर, जय बाबा भोलेनाथ हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। देख सकते हैं कुछ ऐसा है मंदिर का नजारा, देख सकते हैं कुछ ऐसा है मंदिर का नजारा। और यहाँ भक्त नारे लगाते हैं जय सियारा। तो देख लीजिए भैया यही है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का नजारा मंदिर का, और यह है वीवीआईपी लाइन, देख सकते हो आप लोग।
वीवीआईपी लाइन में भी 2 घंटे लग रहे हैं दर्शन के लिए। तो दोस्तों सुबह 4:30 बजे से लाइन में लगे लगे अब जाके पहुंचे अभी मंदिर के एंट्री पॉइंट पर। अभी मंदिर नहीं आया, अभी मंदिर इसके बाद है। वो जो वो दिख रहा है ना आपको, वो है मंदिर। आज कम से कम 7 घंटे हो गए हमको लाइन में लगे लगे, अब जाके बस मंदिर में एंट्री हुआ है। और ये है वीवीआईपी लाइन। भाई छुप छुप के वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, देखता हूँ कहाँ तक बना पाता हूँ। देख सकते हैं भैया मंदिर के अंदर एंट्री हो रहा है मेरा, पता नहीं कैसे माहौल है। चलो अंदर दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों देख सकते हो यहाँ मंदिर तो दोस्तों एक बार सामने से भी देख लीजिए नंदी महाराज को। अब चलते हैं आगे। हर हर महादेव। तो दोस्तों यही है मेन मंदिर। तो गाइस यही है मेन मंदिर, देख सकते हैं आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, देख सकते हो आप। यही है मेन मंदिर बाबा भोलेनाथ का, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। वहाँ है हमारे बाबा विराजमान, देख सकते हैं आप। और यहाँ देख लीजिए अलग अलग मूर्तियाँ मिल जाएंगी आपको देवताओं की, देख सकते हो आप। ये देखिए जय हो। तो कमेंट करके जरूर बताना ये अद्भुत नज़ारा आपको कैसा लग रहा है। देख सकते हो मेरे पीछे पूरा मंदिर, ये देखिए ये है पूरा मंदिर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। देख लीजिए हर हर महादेव, कमेंट जरूर कीजिए। ये देखिए यहाँ पूजा हो रहा है, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर। वो देखिए बाबा का फोटो, यह है बाबा का घर। देखिए यहाँ प्रसाद चढ़ रहा है हमारा। देखिए यह है बाबा का गर्भगृह। देख लीजिए मंदिर के, मंदिर का दर्शन कर लीजिए भक्तों। देखिए यह है दोस्तों भोलेनाथ को आशीर्वाद दे रहे, देख सकते हैं यह है मंदिर। हर हर महादेव ज्योतिर्लिंग। तो भैया बड़े नजदीक से छू के दर्शन किए बाबा भोलेनाथ, अब निकल रहे हैं बाहर। देख लीजिए ये देखिए भक्तों की भीड़, देखिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भैया 8 घंटे का सफर फाइनली पूरा हुआ और भोलेनाथ के दर्शन हो गए, आशीर्वाद मिल गया। हर हर महादेव। तो दोस्तों देख लीजिए यही है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, देख सकते हैं यहाँ पर हवन वगैरह होता है, देख सकते हैं कितना बेहतरीन और खूबसूरत नज़ारा है। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है। कैसा लगा राजू? एक नंबर। तो दोस्तों यही था त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का व्लॉग। कैसा लगा भाई कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया है तो भाई पता है ना क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि भाई बड़ा मेहनत किया हूँ मैं इस वीडियो में बनाने के लिए। सुबह 4 बजे से लाइन में लगा हूँ और तो और कल रात को 9 बजे से ही घर से निकला हूँ मैं। और अब जाके दर्शन हुआ है सुबह 4 बजे से लाइन में लगे लगे, अब जाके दर्शन हुआ है। तो भाई ये वीडियो को अपना बहुत सपोर्ट दिखाओ, बहुत प्यार दो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। आपसे मिलता हूँ मैं यहाँ के मार्केट में, आपको मैं मार्केट दिखाता हूँ यहाँ पे जहाँ प्रसाद वगैरह मिलता है, जहाँ फूल माला सब मिलता है, मैं वो आपको दिखाता हूँ अभी। चल तो गाइस निकल रहे हैं अभी चलने के लिए वापस अपने होम टाउन, अपने घर। बाकी आप लास्ट बार देख लीजिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर, देख सकते हैं यह है इसका एग्जिट पॉइंट। यहाँ से अभी हम निकल जाएंगे, ये है इसका एग्जिट पॉइंट, देख सकते हैं आप। कृपया शांति बनाए रखें और प्रतीक्षा कीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी हमेशा तैनात रहता है। आगे देख लीजिए ऐसा है मंदिर के बाहर का
पेड़ा भंडार, प्रसाद भंडार देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए गायत्री माता मंदिर देख सकते हैं आप। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ आपको हर प्रकार के शंख मिल जाएंगे, देख सकते हैं। मार्केट देखिए यहाँ का, यहाँ पे जीपे की भी सुविधा है और सारा शिवलिंग रुद्राक्ष आपको सब मिल जाएगा यहाँ पर, देख सकते हैं आप। बाकी ये है अद्भुत नज़ारा यहाँ के पहाड़ का, देख लीजिए, ये देखिए। दोस्तों देख लीजिए दोनों तरफ आपको मार्केट मिल जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारा कड़ा वड़ा मिल जाएगा आपको, देख सकते हैं दोनों तरफ मार्केट है यहाँ पे, देख लीजिए। यहाँ मंदिर का फोटो वगैरह प्रसाद वगैरह मिल जाएगा आपको, ये देखिए मंदिर के फोटोज वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पर। ये देखिए लेडीज पर्स, बाकी ये देखिए बच्चों का खिलौना, ये है डमरू। तो भैया निकल चुके हैं जूस वूस पी के, अब चलते हैं वापस मंदिर के एंट्री पॉइंट पर, क्योंकि वहाँ बैग है, जूते हैं, सामान है और वो लेके भाई वापस स्टेशन की ओर निकलेंगे और चलेंगे घर। अब ब्लॉग को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, सामान लेके देखिए अब आखिर देखिए पहुँच ही गए दोनों साइड, मार्केट देख सकते हैं और भीड़ देख सकते हैं आप। भीड़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज कितना भीड़ है महाशिवरात्रि के इस महान पर्व पर, देख सकते हो आप। ये रहा वापस हमारा त्र्यंबकेश्वर मंदिर, पहुंच गए यहाँ पर। अब बैग लेते हैं जूते लेते हैं और निकलते हैं अपन घर। तो गाइस हम लोग बस स्टैंड पर गए थे पर हमने बस नहीं लिया, क्योंकि वहाँ से जो बस निकल रहा था वो डायरेक्ट स्टेशन नहीं छोड़ रहा था, और इसीलिए हमको ये ऑटो मिल गया है, देख सकते हैं। पर पर्सन 150 चार्ज किया इन्होंने, जो हमें डायरेक्ट नासिक रोड रेलवे स्टेशन छोड़ेंगे। और ये जो मेरे साथ जो आपको पैसेंजर देख रहे हैं वो बड़ा मुश्किल से हमको मिल गए, जो मेरे ही गांव के हैं। कहाँ के हैं आप, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सुशील कुमार जी, और उत्तर प्रदेश। और आप सर? सेम। अच्छा देखिए ये मेरे ही गांव जिले के हैं और यहाँ पर मुझे मिल गए, तो भैया अपने गांव जिले के आदमी कहीं भी मिल जाए तो बड़ा ही आनंद मिलता है, खुशी मिलता है। राजू, ए राजू कैसा लग रहा है भाई? तो गाइस फाइनली जहाँ से वीडियो शुरू किया था वहीं पे वापस आ गए और ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। देख सकते हैं आप मेरे पीछे नासिक रेलवे स्टेशन, फिर से आपने रात को देखा था, अभी देख लीजिए दिन में कुछ ऐसा दिखता है रेलवे, नासिक रेलवे स्टेशन देख लीजिए। तो गाइस फाइनली अब चलते हैं घर, बस अब वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। अब आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट विजिटिंग प्लेस पर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।